सुप्रीम कोर्ट कल सबरीमाला मामले पर भी फैसला सुनाने वाला है। तो सबरीमाला मामले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला आएगा। सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ये फैसला सुनाने वाली है। तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री पर विवाद का ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका यहाँ पर लगाई गई थी। तो केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद काफी समय से जो है वो चल रहा है और कल का दिन इस मामले को लेकर काफी अहम जो है वो माना जा रहा है। पिछले साल सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी को हटा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी प्रदर्शन हुआ, विवाद हुआ, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका इस पूरे मामले को लेकर दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सबरीमाला में रिव्यू पिटीशन के कुल 64 मामले थे। तो जिस तरह के हालात यहां पर बनाए गए थे पाबंदी हटाने के बाद, उसके बाद ये पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी और अब कल का दिन इस मामले को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। ये मामला काफी उठा था और विवाद जो हुआ था उसके बाद पुनर्विचार याचिका यहां पर लगाई गई थी, जिस पर अब कल फैसला कोर्ट सुनाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कल इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। तो आपको बता दें कि इन फैसलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे जो मामले हैं जिस पर फैसला सुना सकती है, क्योंकि 17 नवंबर को सीजीआई जो है रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले वो बड़े मामलों पर अपना फैसला जो है वो सुना रहे हैं। तो आपको बता दें कि सबरीमाला मामले पर दो पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला आएगा।